तो बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का लोकार्पण आज करने वाले हैं और नवनिर्मित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए संयंत्र नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण होगा। तो ये तस्वीरें भी आपको सीधी दिखा रहे हैं रायपुर से। राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय से सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 बजे का समय दिया गया था और लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू किया जाएगा। किसी बटन दबाना जाने दो लोकार्पण हो गया पूजा करने
आशीष प्रशुल्कन केंद्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान से लोकार्पित हुआ है। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय के, नगरीय प्रशासन सचिव महोदय का, जो आज लोकार्पण कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं। और नागपुर शहर में दोष अशिष्ट प्रबंधन को एक नया आयाम देने के लिए स्थापित इस केंद्र का लोकार्पण कर आज रायपुर शहर के लिए एक नई दिशा, एक नया मीत का पत्थर तैयार किया है। आगंतुक अतिथिगणों से मंच पर आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, हमारे नवीन राष्ट्रपति, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधान महोदय, माननीय विधायक महोदय, मेरे साथ ही सभी पार्षदों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला, बड़े प्लांट की क्वालिफिकेशन में प्लांट की सौगात दी है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो बड़ी खबर, लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू करेगा काम। सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ में हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो नव निर्मित संयंत्र ई लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं। और साथ में बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण
तो प्रसंस्करण और निपटान के लिए एक संयंत्र है जिसमें नव निर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण हुआ है। अपने निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया है। लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू करेगा। अपना काम तो खबर आपको बता रहे हैं। खबर आपको बता रही हूँ। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण हुआ। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ में उनके पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए नवनिर्मित संयंत्र का ई लोकार्पण हुआ। अपने निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद संयंत्र ने शुरू किया अपना काम। साथ में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हैं। तो लोकार्पण के बाद संयंत्र ने अपना काम शुरू किया। सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तो रायपुर से लाइव तस्वीरें कार्यक्रम की, जहां नव निर्मित निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया। दरअसल लोकार्पण के बाद संयंत्र शुरू करेगा अपना काम, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का उन्होंने आज से लोकार्पण किया है। मंच पर उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में उनके मंत्री भी मौजूद हैं। तो सीएम भूपेश बघेल संयंत्र का लोकार्पण उन्होंने किया। नवनिर्मित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए संयंत्र नवनिर्मित संयंत्र का आज लोकार्पण हुआ। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके कुछ मंत्री और काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो राजधानी रायपुर बलिदान दिवस है, आओ तो मन में पहले कार्यक्रम करते हैं। सुन ही नहीं रहे। पुलक भट्टाचार्य जी, एक मिनट सुन लीजिए।
आवाज उधर नहीं जाती है, बात करके रखना है ना। ये तो चालू हेलो संचालक महोदय, सुन रहे हैं मेरी बात? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? मां सत्यनारायण को या विकास को या जहाज किसी को लगा लो। चलो अपन कर लेते हैं। वहाँ आवाज सुनाई दे रही है? कार्यक्रम स्थल पे आवाज सुनाई दे रही क्या? ये लाइट चल रहा है इसलिए दिखा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ा। आज वीरांगना दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है, मैं उन्हें नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री भाई श्री डहरिया जी, कृषि और जल संसाधन मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय सांसद सोनी जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा जी, भाई एजाज देवर जी, भाई विकास उपाध्याय जी, पूर्व महापौर आदरणीय दुबे जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रदेश के सबसे बड़े ठोस
अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरी निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। बारिश के मौसम के साथ नाले, नालियों की साफ सफाई आदि आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता से करावें। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पौनी पसारी योजना, शहरी गरीबों को पट्टा देने, पुराने पट्टों का नियमितीकरण, मालकाना हक देने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि शहर के छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप सब ने उठाया है। जितने भी साथी अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर जिस कार्य में लगे थे उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बधाई बधाई बधाई। Thank you.
बटन दबाना जाने तो मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से
स्थापित हुआ है। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय के, अच्छा होगी नहीं जाना जो आज आज हमारे साथ है। और रायपुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कोई नया आयाम देने के लिए स्थापित इस शहर का लोकार्पण कर आज रायपुर शहर के लिए एक नई दिशा, एक नया बीज का पत्थर तैयार किया है। आगंतुक अतिथिजनों से मंच पर आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। तो हो गया क्या हमारे बड़े प्लांट की क्वालिटी प्लांट की पौधा भी है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो नव निर्मित संयंत्र का लोकार्पण आज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें हम कार्यक्रम की आपको दिखा रहे थे। तो राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय से सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और लोकार्पण के बाद संयंत्र की शुरुआत हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से जहां नवनिर्मित संयंत्र का आज लोकार्पण हुआ, अपने निवास कार्यालय से सीएम ने ई लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने संयंत्र का लोकार्पण किया। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए यह संयंत्र को बनाया गया है। और रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।